नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। स्वागत है आप लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। सो गाइस, आज मैं सब्सक्राइबर्स वगैरह नहीं मांगूंगा, मैं सब्सक्राइब करने के लिए कहूंगा भी नहीं, क्योंकि आज का वीडियो बहुत ज़्यादा सीरियस होने वाला है। आप लोगों को पता है कि 3 दिन पहले सहरसा में एक भी कोरोना पॉजिटिव केस नहीं था। मतलब सहरसा उन 5 जिलों में से आता था जहाँ पे कि कोरोना का एक भी मरीज नहीं था, और बीते 3 दिनों में कोरोना का संक्रमितों की संख्या बढ़कर 10 हो गई है। मतलब 3 दिन पहले एक भी मरीज नहीं था, और पिछले 3 दिनों में ही 10 मरीज हो गए हैं, और ये ऐसे ही 2, 3, 4, 5 करके ऐसे ही बढ़ रहे हैं, रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। मतलब पिछले 3 दिनों में केसेस बढ़ते ही जा रहे हैं। आप लोगों को पता है कि ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि अभी तक जो 10 केसेस मिले हैं वो सारे के सारे वो है जो कि सहरसा स्पेशल ट्रेन जो आई थी उन्हीं से उतरे थे। अगर आप लोगों को नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ आप लोगों को कि पिछले कुछ दिनों में सहरसा में 8 से 10 ट्रेनें आई हैं, और हर एक ट्रेन में 1300 से 1400 प्रवासी मजदूर एवं छात्र थे। मतलब 1300 से 1400 यात्री हर एक ट्रेन में, और अगर हम लोग 10 ट्रेन की बात करें तो 13,000 से 14,000 यात्री आए हैं सहरसा। ये सिर्फ सहरसा जिला के ही नहीं है, ये बाकी के आसपास के 10-12 जिलों से हैं। सहरसा, पूर्णिया, कटिहार, अररिया, मधुबनी, दरभंगा, सुपौल, मधेपुरा, इन सभी जगहों के। माना मैंने कि सहरसा कोसी प्रमंडल का मुख्यालय है, तो मुख्यालय होने के नाते बस 3 जिले के मजदूरों को यहाँ लाया जाता, 3 जिले के छात्रों को लाया जाता, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा। चलिए, अच्छी बात है, आप लोगों ने आसपास के जिलों को की भी मदद की, 10-12 जिलों के लिए आप लोगों ने उनके प्रवासी छात्र एवं मजदूरों को सहरसा लाया। तो आप लोगों का क्या कर्तव्य बनता है कि सबको कम से कम एक बार थर्मल स्क्रीनिंग तक भी की जाए, उनकी थर्मल स्क्रीनिंग तक भी की जाए। मतलब 14,000 आए हैं, उनमें से कुछ को क्वारंटीन तो किया जाए। जानते हैं हुआ क्या कि उन 14,000 में से रैंडमली 40 लोगों को उनका सैंपल लिया गया, 40 लोगों को छांट लिया गया और उनके बाद उनका सैंपल लिया गया, तो उन 40 में से मात्र 40 लोगों में ही 10 पॉजिटिव केसेस मिले। मतलब 14,000 में से 40 की जांच होती है और उनमें से 10 पॉजिटिव मिलते हैं, तो आप इस बात का अंदाजा लगा ही लीजिए कि उन 14,000 में से भी कितने हजार के सौ उनमें से लोग संक्रमित हो सकते हैं। भगवान ना करे कि उनमें से कोई संक्रमित हो, लेकिन अगर आप सोचिए कि अगर उनमें से कोई भी संक्रमित हो गया तो वो कितने लोगों को संक्रमित कर सकता है, कितने गांवों को संक्रमित कर सकता है, कितने परिवारों को संक्रमित कर सकता है। वो अकेला आदमी पूरे समाज को बर्बाद करने के लिए योग्य है। मतलब अच्छी बात है, आप लोगों ने उन लोगों को लाया, वो लोग परेशान भी थे, भूखे प्यासे थे, तो आप लोगों ने उनको लाया, अपने परिवार से मिलाया, बहुत अच्छा काम किया। लेकिन स्क्रीनिंग तो सबकी होनी चाहिए थी, क्वारंटीन तो कुछ सौ को करना चाहिए था, ऐसा नहीं हुआ, इसके बिल्कुल उलट हुआ। उन 40 को भेजा गया सैंपल के लिए जांच के लिए, और बाकी के लोग अपने अपने घर चले गए। इसीलिए पहले दिन जो 2 मरीज मिले थे वो 2 मरीज क्वारंटीन मरीज थे, तो उनसे कोई दिक्कत नहीं थी। उसके बाद जो 7 मरीज निकले अगले दिन, जिसमें से कि 5 सहरसा के शहरी इलाके के, सहरसा बस्ती इलाके के हैं, और उन और बाकी के 2 में से 1 सहमौड़ा के हैं और 1 मदनपुर के हैं। मतलब 7 लोग जो मिले वो अपने अपने घर जा चुके थे और अपने आसपास के घर परिवार वालों से मिले होंगे। सोचिए कितनी बड़ी चूक हुई है। हम लोग तो बस इतना ही कर सकते हैं कि हम लोग घर में रहें, और घर में सब रह रहे हैं। कितने व्यापारियों का बिजनेस बंद है, दुकानें बंद है, कितने लोगों को घाटा हो रहा है, कितने लोग अपने अपने कामों पर नहीं जा पा रहे हैं, कितने लोगों के लिए खाना पीना इकट्ठा करना मुश्किल हो गया है, लेकिन फिर भी सब घर में है। और जानते हैं सभी लोग अपने अपने घरों में ही क्यों है? क्योंकि वो लोग नहीं चाहते हैं कि हमारे इस देश को, हमारे क्षेत्र को, हमारे जिले को, हमारे राज्य को, हमारे समाज को इस महामारी से कुछ भी हताहत हो। इसलिए सभी अपने घर में रहकर अपना कर्तव्य का पूर्ण रूप से पालन कर रहे हैं और बाहर नहीं जा रहे हैं, लॉकडाउन को पूरी तरह से मान रहे हैं। अगर आप अभी चौक पर, चौराहे पर, बाजार में निकलेंगे तो आप लोगों को गिने चुने 1-2 लोग होंगे जो कि बहुत ज़रूरी काम से ही बाहर निकले हैं। मतलब सब लोग अपने अपने घरों में रहकर अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन लोगों को
डर है अपने परिवार का, अपना खुद का, अपने समाज का, इसलिए वो सब घर में रह रहे हैं। तो सो दोस्तों, मैं आप लोगों से जाते जाते बस एक ही निवेदन करना चाहता हूँ कि आप लोग जो बाहर निकलते थे, अब और कम निकलिए, जितना कम हो सकता है उतना कम निकलिए, जितना रिसोर्स है उतने में ही काम चलाने की कोशिश करिए, लिमिटेड रिसोर्स में ही काम चलाइए, क्योंकि अब हमारी सुरक्षा हमारी स्वयं की सुरक्षा है, हम लोगों को स्वयं ही अपनी सुरक्षा स्वयं करनी पड़ेगी, क्योंकि प्रशासन प्रशासन ने तो बहुत बड़ी चूक कर ही दी है। अब आप बाहर निकलेंगे तो उनमें से कौन संक्रमित है कौन नहीं है, संक्रमित लोग तो अब ऐसे तैसे घूम रहे हैं, अब उनमें से कितनों को ढूंढा जाएगा, कितनों को पकड़ा जाएगा, कितनों को क्वारंटीन किया जाएगा, इसलिए अब हमें हमारी सुरक्षा स्वयं ही करनी पड़ेगी। तो दोस्तों, मैं अभी आप लोगों से इस वीडियो में विदा लेता हूँ। ऐसे ही कोरोना अपडेट्स देखने के लिए आप हमारे चैनल को हो सकता है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और हो सके तो वीडियो को लाइक करके शेयर करिए, ताकि ये मैसेज सभी को पहुँच सके, सहरसा के आसपास क्षेत्र के सभी लोगों को पहुँच सके जहाँ जहाँ पे संक्रमित गए हैं। और हाँ, जाते जाते एक और निवेदन है कि अगर आप लोगों के घर के आसपास कोई भी उन स्पेशल ट्रेन से आए हुए लोग हैं तो कृपया इसकी जानकारी सूचना प्रशासन को दे दें, ताकि उन सब की भी जांच हो सके और आपका समाज भी इससे बच सके। तो मिलता हूँ फिर आप लोगों से।